अमृतसर में नशे का काला कारोबार थम नहीं रहा। एक बार फिर से नशे का एक बड़ा मामला सामने आया है। अमृतसर के पाम गार्डन कॉलोनी की एक कोठी में नशे का कारोबार चल रहा था। एडीसीपी कृपाल सिंह की तरफ से इस कोठी पर रेड की गई, जिसमें 5 लोग मौजूद थे, जिनका नाम गंजा, जावेद अली, पारस, गुरप्रीत और साजन बताया जा रहा है। पुलिस को आता देख गंजा और जावेद अली वहां से फरार हो गए। गुरप्रीत, साजन और पारस, इन तीनों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इन तीनों पर हवाई फायर किया और इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तलाशी के दौरान कोठी में 0.5 किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस द्वारा इन तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पालम गार्डन कलोनी है, बाईपास दे उत्ते उत्ते हरपेज सन एरियस जवेद ते गंजा, जिहड़ा गंजा जंडियाले दा, ते इहदे नाल दो तीन बंदे होर ने इत्थे हैरोइन दा धंधा करदे आ। इस संबंध विच इन्हां ने रेड कीता सी। जदों इन्हां ने रेड कीता ते अगों जवेद ते गंजा ने फायरिंग कीती। फायरिंग करके कोठी दे पिछले पासे दी छाला मार के दौड़ गए ते दूसरे तीन बंदे जिहड़े उन्हां ने राउंड अप कीते ते उन्हां दे कोलों हैरोइन दी रिकवरी भी कीती। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਜਨ ਤੇ ਪਾਰਸ। 0.5 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। 194 ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2285 ਤੇ 307 IPC। ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਜਣੇ ਭੱਜੇ ਆ ਜੀ, 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਹੋਏ। कैमरामैन सोनू सोडी के साथ विशाल शर्मा, पब्लिक दिलासा न्यूज़, अमृतसर।